क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 1 और नोट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्लास 10th के सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर से ये पहला चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला हमारा जो स्लाइड है वो कहता है राष्ट्र किसे कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या जानना है? राष्ट्र के बारे में जानना है। तो राष्ट्र के बारे में अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग विचार दिया है। सबसे पहले जो है अर्नेस्ट रेनन, ये भी एक प्रकार के इतिहासकार थे, आप कह सकते हैं इतिहासकार। तो इनके अनुसार उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, वो भाषा, नस्ल और धर्म के आधार पर होता है। भाषा मतलब जो लैंग्वेज हम लोग बात करते हैं, उस लैंग्वेज के हिसाब से होता है राष्ट्र का बंटवारा। नस्ल का मतलब हो गया कि जो लिंग होता है, लिंग भी कह सकते हैं, जाति धर्म भी कह सकते हैं, तो नस्ल के हिसाब से भी राष्ट्र का निर्माण होता है, और धर्म के हिसाब से तो होता ही है। जैसे हिंदू का हो गया, मुसलमान का हो गया, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, ये जितने भी धर्म है इनके हिसाब से भी देशों का निर्माण होता है। अब कैसे होता है वो समझिए। जैसे कि भारत है, तो भारत में क्या है, हिंदी बोले जाने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है और यहाँ पे हिंदू लोग भी सबसे ज्यादा रहते हैं। वहीं पे अगर हम अमेरिका की बात कर ले, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, तो यहाँ पे चर्च वाले मतलब जो पादरी लोग होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, उनका संख्या सबसे ज्यादा होता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। मतलब एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है कि वहां के लोग ना लंबे समय तक, मतलब काफी दिनों तक जो है उसके लिए संघर्ष करते हैं, अपने देश को बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। उनके लंबे प्रयास और त्याग, मतलब बहुत कुछ ऐसा चीज होता है जिसके साथ वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो उनके त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें मिलकर तब जाके एक देश या राष्ट्र का निर्माण होता है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो कहता है राष्ट्रवाद क्या है। तो अपने देश के प्रति लगाव, जितना प्यार आप अपने देश के प्रति करते हैं, यही राष्ट्र के प्रति जो प्यार है ना, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। और समर्पण की जो भावना होती है, अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, अगर मैं भारत देश का रहने वाला हूं तो भारत देश के लिए हमारा जो प्यार है वो सबसे ज्यादा होता है। हम ये समझते हैं कि भारत के खिलाफ यदि कोई कुछ बोलता है तो हम उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। यदि कोई बाहर देश का आदमी आपके भारत में आके कहता है कि भारत तुम्हारा अच्छा देश नहीं है, इसका क्या मतलब है? वो हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, तो उस समय क्या करेंगे? हम उसको मार भी सकते हैं, गुस्से में आकर उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भावना जो है हमारा, हमारे देश के प्रति, यही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम भारत के रहने वाले हैं तो हम भारत के लोगों के अंदर ये भावना है। अब जापान का लोग है, उसको जापान अपना देश के प्रति वो भावना होगा। पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान के लोगों को अपने देश के लिए तो प्यार होगा ना, तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जो किसी भी देश के सभी नागरिकों को परंपरा, भाषा, जातीयता एवं संस्कृति की भिन्नताओं के बावजूद उन्हें एक सूत्र में बांध कर रखता है। राष्ट्रवाद क्या होता है कि एक ही जगह पर रहने वाले अलग अलग लोग, विविधता जो है, मतलब अंतर जो है, हमारा भारत जो है वो विविधताओं का देश है। विविधता कहने का क्या मतलब है कि हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सारे धर्म के लोग हैं, फिर भी भारत में एकता है, सभी लोग एक साथ मिलके रहते हैं, अलग अलग भाषा बोले जाते हैं, भोजपुरी बोला जाता है, उड़िया बोला जाता है, बंगाली बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, तमिल, मलयालम, कन्नड़, सारी भाषा बोलने के बावजूद भी क्या है, यही सब चीजें जो अंतर है ना, यही विविधता कहलाता है। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग खान पान, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कपड़े, ये तो देखने को मिलता है ना। साउथ में चले जाइए तो वहां पे लुंगी शर्ट पहनते हैं, हरियाणा में चले जाइए तो धोती कुर्ता पहनते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कपड़े हैं। तो ये सब क्या है? विविधता है। इसके बावजूद भी ये हमारे भारत देश को क्या है? एकत्र करके रखा है, संयोजन करके रखा है, बांध के रखा है, यही हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। अब आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उदारवाद क्या है। तो उदारवाद का अर्थ होता है स्वतंत्रता। यह एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित होता है। ये हमारे बुक के जो लैंग्वेज होते हैं ना, वो बड़े टफ होते हैं, उनको समझने में थोड़ी सी परेशानी आती है, इसलिए मैं आपको उदारवाद के बारे में बहुत ही आसानी से समझा देता हूं कि उदारवाद क्या है। ये मनुष्यों के ऊपर अप्लाई होता है, हमारे मनुष्य के जीवन में यह बताया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सोचने विचारने वाला व्यक्ति है। मनुष्य के अंदर दिमाग होता है, वो अपने भले और बुरे के बारे में सोच सकता है,
और इन्हीं सोचने की शक्ति के कारण जो हमें फ्रीडम मिलता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसी को हम उदारवाद कहते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है एक चिंतनशील प्राणी है, वो अपने बारे में अच्छा और बुरा दोनों सोच सकता है, और जो जंतु अपने बारे में अच्छा और बुरा सोच सकता है उसे फ्रीडम दिया जाता है, स्वतंत्रता दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से अपने जीवन को बेहतर बना सके, तो उसे क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद मतलब जिस पर अंकुश ना हो, जिस पर लगाम ना हो, तानाशाही, जो वो चाहे वो कर सकता है, एक ऐसी सरकार। अब तानाशाही में आप राजतंत्र को भी ले सकते हैं, मतलब राजा के द्वारा करने वाला शासन, और निरंकुशवाद भी वही है, तानाशाही है, एक ऐसी सरकार मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट। हर एक देश में एक गवर्नमेंट होता है ना, जैसे हमारे भारत में अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस का गवर्नमेंट था, तो ये सब क्या है, सरकार है। तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ये मतलब कि सत्ता पर इसका कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश है। तो निरंकुशवाद के बारे में हम आगे समझते हैं कि इनके अपने शासन सत्ता पर अंकुश नहीं होता है, मतलब किसी भी प्रकार का लगाम नहीं होता है, इसी हम निरंकुशवाद के नाम से जानते हैं। अब जनमत संग्रह क्या है, जनता के मत का, नाम में ही इसका व्याख्या छुपा हुआ है, जन मत मतलब जनता का जो मत होता है, जो हम वोटिंग करते हैं उसका संग्रह होता है, एक प्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान का मतलब होता है वोट देना, जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता ने किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता हो। अब जानते हैं कि जो भी जन प्रतिनिधि होते हैं, जनता जिन प्रतिनिधि को चुनती है, उन प्रतिनिधियों के द्वारा क्या होता है कि वहां के नियम कानून बनाए जाते हैं। तो यह भी एक ऐसा ही है कि एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके द्वारा एक क्षेत्र के मतलब एक जगह के लोगों, सारे जनता वहां पे इकट्ठा होते हैं और किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए उनसे पूछा जाता है, क्या आप इन चीजों से सहमत हैं या फिर आप इन चीजों से सहमत नहीं हैं। तो ऐसी चीजें अगर पूछी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, जनमत संग्रह कहा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो कहता है यूटोपिया, कल्पना दर्श। अब कल्पना का क्या मतलब है, सोच, हमारी सोच। एक ऐसा समाज मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे लोगों का ग्रुप जिसकी कल्पना मतलब इतना आदर्श होते हैं वो लोग, कल्पना के हिसाब से मतलब हम सोच रहे हैं कि हाँ एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसके सभी लोग ना ईमानदार होंगे, कोई बेईमानी नहीं होगा, हम कल्पना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग लगभग असंभव होता है। मतलब क्या है, हमने सोचा कि हम अपना एक समाज बनाएंगे, उस समाज में सभी लोग ईमानदार होंगे, सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई तंबाकू सिगरेट नहीं पिएगा, तो ऐसा अभी के समय में सोचना कैसा लगता है कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा तो होगा ही नहीं, कोई ना कोई चोर उसमें निकल ही जाएगा, कोई ना कोई डाकू निकल ही जाएगा, आज सभी पढ़ के आईपीएस थोड़ी ना बन जाएगा, कोई ना कोई उसमें फेल हो जाएगा। तो हम अपने मन में जो कल्पना करते हैं, सोच लेते हैं कि भाई एक ऐसा समाज है जिसका साकार होना लगभग लगभग असंभव होता है, तो उसे क्या कहेंगे, कल्पना दर्श के नाम से जानते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, अगला स्लाइड हमारा कहता है रूमानीवाद। अब रूमानीवाद को समझ लेते हैं, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। देखिए रूमानीवाद जो है ये 1848 के आसपास की घटना है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें लोगों का ऐसा मानना था कि हमारे देश में जो क्रांति चल रही है, तो हमारे मतलब कि रूमानीवाद में आप कह सकते हैं कि जो क्रांति का लहर था, वो लोग चाहते थे कि ये क्रांति बनी रहे, लोग समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे, चाहे वो डांस के माध्यम से हो, चाहे वो गाने के माध्यम से हो, चाहे वो किसी अन्य कलाकृति के माध्यम से हो। लोगों के मन में ऐसा मानना था कि ये जो आग लगी है समाज को सुधारने की, ये चलता रहे, इसी को हम रूमानीवाद के नाम से जानते हैं। आगे हमारा है जूंकर्स क्या था, तो जूंकर्स जो है वो प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है। प्रसा एक देश था जिसका जो एक श्रेणी, समाज का श्रेणी कहने का मतलब है कि अपने भारत में ही है ना, यादव जी का टोला है, राजपूत जी का टोला है, भूमिहार का टोला है, पांडे जी का है, मिश्रा जी का है, गुप्ता जी का है, तो ये सब क्या है, एक प्रकार का सामाजिक श्रेणी है, जो बंटवारा है, जातीय विभाजन है, इसी को हम सामाजिक श्रेणी कहते हैं। लेकिन जूंकर्स में क्या होता था कि बड़े बड़े जमींदार लोग शामिल हुआ करते थे, जमींदार जो जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा होती है वो लोग इसमें शामिल हुआ करते थे।
अब यहाँ पे टॉपिक जो था हमारा वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय था। तो अब हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ, क्या ऐसे कॉज थे जिसके कारण राष्ट्रवाद का यहाँ पे उदय हुआ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये हरेक राष्ट्रवाद के उदय का सबसे पहला कारण जो था वो था निरंकुश शासन व्यवस्था। आपने देखा होगा फ्रांस की क्रांति नौमा लुई सोलवा, वो भी निरंकुश था। जार निकोलस निरंकुश था जिसके कारण रूस का हुआ था। तो यहाँ पे जितने भी राष्ट्रवाद हुए हैं उनका सबसे पहला जो कारण था वो था निरंकुश शासन व्यवस्था। मतलब इन पे अंकुश ही नहीं था, राजा जिसको चाहे उसको फांसी चढ़ा देगा, राजा जिसको चाहेगा उसको जेल में डाल देगा, राजा जिसको चाहेगा उसको काट देगा गला। तो ऐसा शासन जिसमें राजा के ऊपर किसी का कोई संविधान नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। याद होगा फ्रांस की क्रांति, वो लुई सोलवा और उसकी पत्नी बेवकूफ, दोनों बुरा सलाहकार था उसका। वो राजा को ऐसा ऐसा ज्ञान देता था कि लास्ट में राजा पिल गया, उसको फांसी चढ़ा दिया, गुलेटिन कर दिया। अपने साथ साथ ऐसे बेवकूफ और थी, मैरी नाम था उसका, उसको भी काट दिया, दोनों स्वर्ग सिधार गए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो है उदारवादी विचारों का प्रसार। उदारवादी विचारों का प्रसार, लोग ना जनता के द्वारा चुने गए शासन व्यवस्था में ना विश्वास रखने लगे थे, जिस कारण से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लोग चाहते थे कि राजा शासन नहीं करेगा भाई, हम लोग जिसको चुनेंगे वो हमारे ऊपर शासन करेगा। स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व का नारा, पहले क्या था यही जो शुरुआत जो हुआ है राष्ट्रवाद का वो फ्रांस की क्रांति से हुआ है। इसमें क्या था कि तीन भागों में बांट दिया पूरे समाज को, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। तो उसमें क्या समानता थी? नहीं थी। बंधुत्व था, भाईचारा था? नहीं था। जिस कारण से यहाँ पे राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि लोगों के अंदर ना विभाजन हो गया था। लोग बड़े छोटे की खाइयों में रहने लगे थे कि वो बड़ा आदमी है, मैं छोटा आदमी हूं, और छोटे आदमी की जनसंख्या ज्यादा थी इसलिए उन्होंने मिलकर बड़े आदमी को पेल दिया उधर। अब देखिए अगला पॉइंट जो हमारा है, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। अब देखिए जो मध्य वर्ग के लोग थे वो शिक्षित थे, जिनके कारण से वो जो नीचे तबके के लोग थे उनको मोटिवेट कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि हमारे देश में अब क्या चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम चाहिए। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ यूरोप के अंदर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से विकास हुआ। हालांकि आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई, तो ठीक है वो सब तो अंदर कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर ही आता है ना, जितने भी देश थे जहां से क्रांति शुरू हुई तो वो सभी क्या थे, राष्ट्रवाद यूरोप के अंदर ही आता है। लेकिन क्रम बाय क्रम, पहले कहां हुआ, उसके बाद कहां हुआ, फिर उसके बाद कहां हुआ। तो सबसे पहले आपको याद है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ, यहाँ पे राष्ट्रवाद हुआ, मतलब कि राष्ट्र के प्रति प्रेम जगा, लोगों ने राजा को हटा दिया, वहां पे जनता का द्वारा जो शासन होता है वही आया। हालांकि बाद में तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने वही खंभा को घुमा के गोले को फिर से वही पिला दिया था। इसके बाद क्या हुआ, नागरिक संहिता जो 1804 नेपोलियन बोनापार्ट का नागरिक संहिता आपको याद होगा, वियना की संधि हुई 1815 में, उदारवादियों की क्रांति 1848 में, जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1866 से 1871 में, इटली का एकीकरण हुआ था 1859 से 1871 में। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्रमिक है, मतलब क्रम बाई है, स्टेप बाई स्टेप, कैसे पहले शुरुआत आग लगी फ्रांस की क्रांति से, उसके बाद नागरिक संहिता से। तो ये सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप है। अगला जो पॉइंट हमारा कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। तो 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीपों में राष्ट्रवाद अर्थात नेशनलिज्म, इंग्लिश में राष्ट्रवाद को नेशनलिज्म कहा जाता है, एक लहर चली जिसमें यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। कायाकल्प कहने का मतलब है बिल्कुल ही जो इनकी बदतर स्थिति थी उसको बहुत ही बेहतर कर देना। ऐसा एक आदमी जो बहुत बीमार हो, बहुत ज्यादा तकलीफों में, उसको ना कैंसर हो, उसको टीबी हो, अस्थमा हो, और दो चार बीमारी, उसको ना कोरोना भी मान लो हो जाए, तो अब अचानक से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, एकदम तंदुरुस्त होके आ जाए और कहे कि हाँ भाई मैं बढ़िया हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, कायाकल्प होना। तो एक ऐसा राष्ट्र जो बिल्कुल मतलब बर्बाद था, वहां पे निरंकुश शासन था, जनता के द्वारा शासन होता ही नहीं था, जनता को अत्याचार का शिकार होना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रवाद के बाद इनका जो कायाकल्प कर दिया, मतलब इनके जो सिद्धांत थे परिवर्तन होने लगे उसमें, जिसमें क्या हो गया, जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नव निर्मित देश, जो नए नए देश बने थे
उसमें कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बने जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। इनका राष्ट्रीय पहचान कहने का मतलब है कि ये एक ही प्रतीक के नाम से जाने जाते थे, जिसके कारण इनका कायाकल्प हो गया, मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा सुधार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है यूरोपीय समाज की संरचना। जो यूरोप का समाज था, यूरोप के अंदर जो समाज की संरचना थी वो कैसी थी 19वीं शताब्दी से पहले, ये बात अब हम करेंगे 19वीं शताब्दी से पहले की। तो यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। यूरोप के अंदर जितने भी लोग थे उनको ना दो अलग अलग भागों में विभाजित, कहने का मतलब है बंटवारा कर दिया गया था। उच्च वर्ग, याद होगा फ्रांसीसी क्रांति में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बारे में हम पढ़े थे, मध्यम वर्ग भी था। तो उच्च वर्ग में कौन थे? कुलीन वर्ग थे। और निम्न वर्ग में कौन थे? कृषक वर्ग थे, जो मजदूर थे, छोटे छोटे व्यवसायी थे, उन सबको निम्न वर्ग में डाल दिया। अब उच्च वर्ग जो है कुलीन वाला, बहुत सारी चीजें जो है ना इसमें आपको फ्रांसीसी क्रांति के रिलेशन में ही पढ़ना है। तो यदि आपको फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9th वाला याद होगा तो यहाँ पे आपको समझने में बहुत ही मतलब फायदा मिलेगा, आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। तो अब हम उच्च वर्ग अर्थात कुलीन वर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या था कि जनसंख्या इनकी कम थी, भले ही वैल्यू राजा इनको बहुत ज्यादा दे दिया था लेकिन जनसंख्या के मामले में ये और वर्गों की अपेक्षा बहुत कम थे। इनकी जनसंख्या थी ही नहीं, बहुत कम लोगों का जनसंख्या था। अगला पॉइंट हमारा कहता है उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला, जो उच्च वर्ग के लोग थे इनको क्या क्या फायदा मिला था कि ये टैक्स वसूला करते थे, जो नीचे वर्ग के जो तीसरे वर्ग के लोग थे उनसे ये टैक्स वसूलते थे और उनपे अपना वर्चस्व जमा के रखते थे। वर्चस्व कहने का मतलब है कि आते थे उनके साथ अत्याचार कर दिया, उनकी गेहूं उठा के ले गए, कभी कभी तो उनके घर के मतलब जंतु को भी उठा के लेके जाते थे, गाय भैंसे बकरे सबको भी उठा के ले जाते थे। ये अपना वर्चस्व जमाते थे कि मैं तेरे से ऊंचा हूं, मैं पैसे वाला हूं, मुझे राजा ने शक्ति दिया है इसलिए मैं वर्चस्व वाला आदमी हूं। अगला पॉइंट हमारा कहता है जमींदार यानी ढेर सारे खेतों का मालिक। जमींदार कहने का क्या मतलब है? अब जमींदार कहने का तो यही मतलब है ना कि मेरे पास अगर बहुत सारा जमीन है तो मैं क्या हो जाऊंगा? जमींदार हो जाऊंगा। क्योंकि जमींदार का मतलब यही होता है कि जिसके पास भूमि का बहुत ज्यादा टुकड़ा हो या भूमि बहुत ज्यादा हो। तो उच्च वर्ग के पास जमींदार होने का भी फायदा था क्योंकि उनके पास तो जमीन बहुत ज्यादा थी और ढेर सारे खेतों के वो मालिक थे। सभी अधिकार दिए जाते थे, इनको हर एक प्रकार के अधिकार मिलते थे, जैसे कि जो नीचे वर्ग के लोग थे कृषक वर्ग उनको सभी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था लेकिन इनको सभी प्रकार का अधिकार प्राप्त था। तो ये थे उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग के नाम से ये जाने जाते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है निम्न वर्ग, छोटे वर्ग, नीचे किस्म के वर्ग। इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, आपको पता ही होगा कि भारत की अगर बात कर लेना तो भारत में क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनका बच्चा भी एक ही होता है। अब गरीब लोगों के घर में चले जाइए तो उनको देखिएगा 20-20 बच्चा उनके घर में होगा, भले ही साला खाना का वो मोहताज हो लेकिन बच्चा उनके घर में आपको इस साइज का, इस साइज का, इस साइज का, इस साइज का, मतलब बढ़ते क्रम में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर उनके घर में देखने को मिलेगा। तो ये था कि इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, निम्न वर्ग के तो थे ही, मतलब पैसे की आमदनी कम थी, आर्थिक व्यवस्था इनका खराब था, घर का हालत खराब था, खेत नहीं था, जमींदारी नहीं था और सारे अधिकार भी नहीं दिए जाते थे, इसी कारण से ये निम्न वर्ग में आते थे। जमीनहीन थे, जमीनहीन का मतलब है जमीन था ही नहीं, यानी या तो वो जमीन नहीं था या किराए पर रहते, या तो उनके पास खुद का मकान भी नहीं था, मतलब जमीन नहीं थी, या तो किराए पर रहते थे या रेंट पे रहते थे, दूसरे के यहाँ जाके रेंट पे रहते थे, इसीलिए इसे निम्न वर्ग कहा गया है। किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे, यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था, इन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, इन्हें किसी प्रकार का फ्रीडम नहीं था, इसलिए कहा गया है कि यूरोपियन जो समाज था उसे दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है उच्च वर्ग जिसे कुलीन वर्ग कहा गया है और दूसरा है निम्न वर्ग जिसे कृषक वर्ग के नाम से जाना गया है। अब देखिए 19वीं सदी के बाद क्या हुआ, एक नया वर्ग इसमें और जुड़ गया। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वो था नया मध्य वर्ग। ना तो ये ऊपर थे और ना ये नीचे थे, ये बीच में थे, और बीच में का मतलब तो आप सभी जानते हैं। तो 19वीं सदी के बाद जो एक नया वर्ग जुड़ा है इनके साथ, उन्हीं का नाम रखा गया था नया मध्य वर्ग। तो अब नया मध्य वर्ग क्या है उसे जान लेते हैं। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जितने भी लोग मध्य वर्ग में आते थे वो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। ये सब किस चीज में आ गए? ये सब आ गए नया मध्य वर्ग में।
ये पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। अब पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो नियम कानून का तो पक्का हो जाएगा ना, और नियम कानून का पक्का होने के कारण इन्होंने कहा कि एक नए राष्ट्र का निर्माण करो जिसमें सभी को समान कानूनी अधिकार दो। ये नहीं कि कोई ऊंचा है तो उसे सभी अधिकार मिल गया और कोई गरीब है तो उसे अधिकार नहीं मिल रहा। तो ये जो नया मध्य वर्ग था इन्होंने ही कहा कि सभी को एक समान कानून की मांग की और उदारवादी राष्ट्रवाद का भी डिमांड कर दिया इन्होंने। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। यहाँ पे समझने योग्य बातें हैं कि इसी उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद की जो भावना था, जो विचार था, वो सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। आ गया फ्रांस की क्रांति, उदारवादी राष्ट्रवाद जो थे, जो नया मध्य वर्ग जुड़ा था, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो शिक्षक थे, जो व्यापारी थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई सभी को एक समान कानून दो, एक समान अधिकार दो। और यही बात जब सब जगह फैल गया तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और वहां पे राजा को हटा के जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुना गया और उनका शासन आगे बढ़ाया गया। इसमें एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं किया गया। एक जो फ्रांस देश था इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे राज्य, तो सीमा शुल्क कहने का ये मतलब है कि जो राज्यों के अंदर बॉर्डर लगते थे उस बॉर्डर के शुल्कों को तो हटा दिया गया, लेकिन एक दूसरे देश के बीच में जो बॉर्डर थे उन शुल्कों को नहीं हटाया गया था। अलग अलग राज्यों के बीच का नियंत्रण यानी कि सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाए। इसके लिए एक संगठन बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था जॉल बेराइन। अब देखिए जितने भी शुल्क अवरोध थे उसको समाप्त कर दिया गया इसी ग्रुप के माध्यम से, जॉल बेराइन के माध्यम से। जॉल बेराइन का बनाने का मकसद ही यही था कि जो सीमा शुल्क है, जो फीस या टैक्स लगते हैं सीमा पे, उनको समाप्त किया जाए। मुद्राओं की संख्या दो कर दी गई, पहले 31-32 था आपको लिखा हुआ, हाँ 30 था, 30 मुद्राएं पहले चलती थी इतने ही बड़े एरिया में, उनको समाप्त करके अब सिर्फ दो मुद्रा कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या पहले कितनी थी, 30 थी। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे, ऐसे नियम आ गए। नेपोलियन ने क्या किया, हालांकि नेपोलियन ने बहुत सारे काम तो अच्छे किए लेकिन कुछ काम उसके प्रशंसनीय नहीं है, मतलब उसका आप तारीफ नहीं कर सकते हैं। उसने क्या कहा, जिसके पास पैसा है, पुरुषों के पास, वही वोट दे सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो वोट नहीं देगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जॉल बेराइन क्या है। अभी जैसा कि आपने एक ग्रुप के बारे में सुना जो सीमा शुल्क समाप्त करने के लिए बनाया गया था, तो आइए हम जॉल बेराइन के बारे में जानते हैं। यह एक जर्मन शुल्क संघ था, जर्मन का शुल्क संघ था जो टैक्सेस वसूलने के ऊपर काम करता था, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इसमें सबसे ज्यादा कौन लोग थे, तो जर्मनी के राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। 1834 में पहली बार जॉल बेराइन को बनाया गया। 1834 में किसने पहल किया, तो प्रशा ने पहल किया। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच जो शुल्क लगता था, जो टैक्स लगता था, बॉर्डर के ऊपर जो टैक्स लगता था, उस अवरोधों को समाप्त कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि अब किसी भी बॉर्डर पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मुद्राओं की संख्या दो कर दी, पहले कितनी मुद्रा थी, 30 मुद्रा थी, उसे घटा के दो कर दिया, जो पहले 20 से भी अधिक था। देखिए यहाँ पे 20 है लेकिन ये होगा 30 क्योंकि पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको 30 बताया है। यह संघ जो है वो जर्मनी की आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। अब आर्थिक एकीकरण कहने का मतलब क्या है कि जॉल बेराइन जिसको बनाया गया, और जॉल बेराइन बनने के बाद इसने क्या किया, इसने सभी सीमा शुल्कों को समाप्त कर दिया। और सीमा शुल्कों को जो समाप्त किया इससे क्या हुआ कि जर्मनी आपस में जुड़ गए। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं एकीकरण का प्रतीक था, एकत्रित करने के लिए इसे बनाया गया था। यूरोप में जो राष्ट्रवाद है इसकी चेतना की शुरुआत फ्रांस से हुई थी, किसी भी यूरोप में ही नहीं, पूरे विश्व की बात कर लीजिए। तो अगर राष्ट्रवाद का अगर कहीं से आग लगा था तो शुरुआती कहां से लगा था, फ्रांस से लगा था। फ्रांस में ही सबसे पहले ये क्रांति हुई थी, इसके बाद पूरी दुनिया में इस क्रांति का विस्तार हुआ। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। आ गया क्लास 9th का टॉपिक जिसको आपको बड़े विस्तार से पढ़ना है। तो आइए जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कि 1789 में क्या हुआ था, 1789 में लुई सोल्वे के साथ क्या हुआ और लुई सोल्वे ने अपने जनता के साथ क्या किया था।
तो यहां पे राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, पहली शुरुआत मैंने भी आपको बताया है कि राष्ट्रवाद की फ्रांस की क्रांति से हुई थी। इसमें फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभु सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का शासन हुआ करता था। 1789 से पहले क्या था कि फ्रांस की जो राजा थे लुई सोलवा, वो निरंकुश था, उसका मतलब शासन जो था वो पूरे फ्रांस के ऊपर था। और इसी कारण से क्या हुआ, वहां पे जब राष्ट्रवाद की भावना पनपी तो वहां के लोगों ने लुई सोलवे को हटाकर उसके सत्ता को बदल दिया। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। ये क्रांति ऐसे शुरू नहीं हुई, जब इन्होंने क्रांति की शुरुआत की तो शुरुआत से ही ऐसे ऐसे कार्यों को किया जिससे फ्रांस के जितने भी लोग थे वो आपस में जुट सके। देखिए, किसी भी प्रकार की क्रांति करने के लिए आपको क्या चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, पावर चाहिए, पीपल्स पावर चाहिए। तो इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे राष्ट्र के लिए भावना उत्पन्न होने लगी और ये फिर एक जगह एकत्रित हो गए। बाद में आगे चल के नेपोलियन की भी एंट्री हुई, बड़ा कमाल का बंदा था ये। इसने क्या किया, प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों का प्रारंभ किया। 1804 की बात है कि नागरिक संहिता किसने लाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने लाया। क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि नेपोलियन बोनापार्ट ने नागरिक संहिता कब लाया, तो आप बताएंगे 1804 में लाया था। इसके नाम से ही जाना जाता है, नेपोलियन की संहिता के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब आ जुड़े थे। अब देखिए यहाँ पे 19वीं सदी की शुरुआती समय में क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता मतलब राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था वो उदारवाद के समीप आ चुका था। मतलब कि एक समान, एक भाषा, एक शक्ति, मतलब नियमों का समान बंटवारा, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में ये लोग पहुंच चुके थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए कदम। अगर फ्रांस के अंदर जो क्रांति की शुरुआत हुई, राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, तो उसके सामूहिक पहचान मतलब कि लोगों को आपस में जोड़ने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, तो प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। प्रत्येक स्टेट में जितने भी राज थे सबसे जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, क्योंकि फ्रांस के अंदर क्रांति थी तो फ्रांस के लोगों के अंदर एक मतलब क्या कहते हैं उसको, आपस में जुड़ाव पैदा करने के लिए जो वहां की भाषा थी उसे पूरे देश के लिए राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। कौन सा भाषा था, फ्रेंच भाषा था। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सबको समान कानून का अनुभव हो। एक ऐसे नियम संविधान कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, बनाया गया जिसमें वहां के जितने भी व्यक्ति थे उन सभी को एक जैसा कानून अनुभव हो सके। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप, यहाँ पे माफ नहीं होगा माप होगा, माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। अब देखिए आंतरिक आयात निर्यात मतलब इंटरनल जितने भी बिजनेस होते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, उसके ऊपर लगने वाले जो शुल्क थे, टैक्स थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। और भार, भार मतलब होता है वजन, अलग अलग जगहों पर उस समय ना फ्रांस में अलग अलग तरह के वजनों को उपयोग में लाया जाता था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, हर जगह एक भार माप की प्रणाली को अपनाया गया। स्कूल और कॉलेज के छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया जैकोबियन क्लब। जो स्कूल के उस समय युवा लोग थे, जो जवान लोग थे, उन्होंने भी अपने समर्थन के रूप में एक ग्रुप का निर्माण किया जिसका नाम रखा इन्होंने जैकोबियन क्लब। फ्रांसी क्रांति में इसके बारे में बहुत ज्यादा हमने पढ़ा था। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए जिसमें राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। देखिए फ्रांस की जो आर्मी ने समर्थन के तौर पर मतलब जो फ्रांस की आर्मी थी उन्होंने अपने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में अपनी सेना को भेजा, अपने लोगों को प्रचार करने के लिए भेजा ताकि राष्ट्र के ऊपर जो भावना है ना वो और ज्यादा बढ़े, उन लोगों में एकत्रता है, अपने राष्ट्र को वो आजाद कराने के बारे में सोचे। तो ये था सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषता। फ्रांसीसी क्रांति की विशेषता क्या थी और राष्ट्रवाद की विशेषता क्या थी, इसको देखते हैं।
संविधान आधारित शासन, यहाँ पे जो राष्ट्रवादी लोग हो रहे थे तो वो क्या चाहते थे कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो, नियम हो, नियम की एक किताब हो जिसके ऊपर पूरा देश सही तरीके से काम कर सके। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार, समानता होना चाहिए, इस देश में रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान होने चाहिए, उन सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और वो आपस में मिलजुल कर बंधुत्व की भावना बनाकर रहे। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, उन्होंने ये कहा कि अब हमारा देश आजाद होगा और इसके लिए हम नई पहचान बनाएंगे, नए तिरंगे का निर्माण करेंगे। नेशनल असेंबली का गठन, एक ऐसे ग्रुप का निर्माण किया जाए जो पूरे देश के ऊपर चीजों को देखरेख करे, जो पूरे देश के अंदर हो रहे हलचल के ऊपर कार्य करे, जो पूरे देश के अंदर सड़क, अस्पताल और किसी अन्य चीज के ऊपर कोई कठिनाई आती है तो उसके ऊपर काम करे। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, आपस में ही जो एक जगह से दूसरे जगह जाके सामान को बेचने के ऊपर टैक्स लगता था या पैसे देने पड़ते थे उसके शुल्क को, पैसे को समाप्त कर दिया गया। माप तौल की एक समान व्यवस्था, ये नहीं कि यहां से 10 कदम आगे गए तो वहां पे 1 किलो का कुछ वजन जो है वो अलग टाइप का है, उसका भार अलग है, उसका वजन अलग है, कुछ दूर और गए तो वहां पे कुछ और दिखा रहा है, तो ये नहीं हो के एक समान प्रणाली की व्यवस्था यहाँ पे अपनाई गई। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, जो फ्रेंच है वो हर जगह के लिए कंपलसरी कर दिया कि नहीं फ्रेंच भाषा ही यहाँ पे अब राष्ट्रभाषा के रूप में मनोनीत होगी। तो ये था फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं। अब बात करते हैं नेपोलियन कौन था, क्योंकि तो फ्रांस की क्रांति की बात अगर आती है तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। नेपोलियन का जो जन्म है वो 15 अगस्त 1769 को हुआ था, 1769 में 15 अगस्त को। नेपोलियन का पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, नो नेपोलियन का जन्म हुआ। नेपोलियन एक महान सम्राट था, बहुत ही अच्छा शासक था जिसने अपनी अपने व्यक्ति एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। इसने ऐसे ऐसे काम किए ना कि पूरा यूरोप का इतिहास इसने प्रभावित किया, मतलब सबको इसने, आप ये कह सकते हैं इसका नाम इतना ऊंचा हो गया कि पूरे यूरोप में इसका नाम लिया जाता था। अपनी योग्यता के बल पे, अपनी एबिलिटी के बल पे 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बना फ्रांस के अंदर और बहुत सारे युद्ध किए और फ्रांसीसी सेना को उसमें जीत भी दिलाई और भरपूर लोकप्रियता हासिल किया, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला था नेपोलियन बोनापार्ट। फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और फ्रांस का एक समय ऐसा आया कि ये फ्रांस का शासक बना और फ्रांस पे राज भी किया। इस तरह से आपने देखा कि नेपोलियन कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ, इसका जो संहिता था, जो नियम कानून नियमावली थी वो 1804 में आया था, 24 साल की उम्र में ये सेनापति बना और आगे चल के ये फ्रांस का शासक भी बना। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, आगे का स्लाइड हमारा कहता है नेपोलियन का शासन काल। नेपोलियन का जो शासन काल था वो किस प्रकार से था, तो जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया, अधिकार जमाया उस पे, तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। देखिए शुरुआत कहां से हुआ था, राजतंत्र से हुआ था और फिर से चक्का घूमते घूमते कहां पे आ गया, तो राजतंत्र पे ही आ गया। उसने क्या किया, प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया फ्रांस के अंदर और राजतंत्र को फिर से स्थापित कर दिया। नेपोलियन के समय में ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज्यादा विकास हुआ। राष्ट्रीयवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिया। यहाँ पे कुछ गलतियां हुई है नेपोलियन बोनापार्ट से कि जबरदस्ती सेनाओं की भर्ती करना, जबरदस्ती दूसरे देशों पे अटैक करना, जबरदस्ती उन पे कब्जा करना, इसी कारण से एक समय ऐसा आया कि नेपोलियन बोनापार्ट को हार का भी सामना करना पड़ा। वाटरलू की लड़ाई आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी टॉपिक, लेकिन यहाँ पे हमें विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर को ध्यान देना है, इसलिए हम ज्यादा फ्रांस की क्रांति के अंदर डीप में नहीं जाएंगे। 1804 के नेपोलियन संहिता के बारे में जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 1804 में लागू किया गया था, किसके जरिए लागू किया गया था, नेपोलियन बोनापार्ट के जरिए लागू किया गया था। इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जो लुई 16वें ने विशेषाधिकार दिया था पादरियों को, कुलीन वर्ग को, उसमें क्या हुआ कि 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना नियमावली लाया तो उन सभी विशेषाधिकार को जो उनको प्राप्त था उच्च वर्ग के लोगों को, उसको समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया।
जितने भी न्याय वाले मतलब जगह होते हैं उसको सुरक्षित किया कि सभी लोगों को समान अधिकार, समान स्वतंत्रता और समान न्याय प्राप्त होना चाहिए। ये नहीं कि जमींदार लोग है तो वो दो तीन लोगों का खून भी कर दिया तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं था। उसने सबके लिए समानता लाई। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा नागरिक संहिता की विशेषताएं लाई गई वो क्या था। तो 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट ने संहिता लाया, नियमावली लाया, जो अपने नियम बनाए, जन पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। कि ये नहीं कि तुम बहुत बड़े धन्ना सेठ हो, बहुत पैसा है तुम्हारे पास तो तुम दो चारों का खून कर दो, हम तुमको छोड़ देंगे। नहीं, विशेष अधिकार जो लुई सोलवे ने दिया था, तीन वर्गों में बांट के अपने प्रजा को, जो पहले दो वर्गों को उसने विशेषाधिकार दिया था, वो नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पे समाप्त कर दिया। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया। यहाँ पे जो इसके हिसाब से जो कानून था उसमें सब मतलब कि कानून के सामने सभी को समान है, ये नहीं कोई बड़ा है, अगर अधिकारी गलती करेगा तो उसे भी सजा मिलेगी। समानता का अधिकार लाया, संपत्ति में समानता का अधिकार लाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रशासनिक विभाजन, जो पढ़े लिखे लोग थे ना, वो चाहे किसी भी श्रेणी में हो, नीचे तबके के हो या बड़े तबके हो, उसने उनको उनके कार्य के अनुसार, उनके एबिलिटी के अनुसार, सक्षमता के अनुसार इसने नौकरी दी, अपने राजा के अंदर ही काम काज दिया। जो लोग पढ़े लिखे लोग थे उनको कार्य करने की अनुमति मिली। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, ये बड़े बड़े जो जमींदार थे, जो बड़े छोटे छोटे जमीनों दारों को लूटते थे, उनसे बंधुआ मजदूर बनाए काम करते थे, इन सभी समस्याओं को इसने समाप्त किया। किसानों के भूदासत्व, मतलब भूमि के जो दास होते हैं, जो उनको, वही हमने अपने आपको बताया कि इनको दास बना के रखा जाता था, और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाया। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े जो जमींदार होते थे वो छोटे छोटे किसानों को पैसे और कर्ज दे देते थे। अब उनका अगर ठीक ठाक काम नहीं चला, उनकी खेती बाड़ी ठीक ठाक नहीं हुई, तो उस पर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आया था कि ये उसके गुलाम हो जाते थे, ये उसके सारे संपत्ति पर अधिकार जमा लेता था और उनको अपने यहाँ गुलाम घर में काम काज करने पर रखता था, मारता पीटता था, उनके साथ अत्याचार करता था। तो 1804 में जो नागरिक संहिता आई उसमें इनको इन सब चीजों से आजादी मिल गई, ऐसा सब कुछ बंद हो गया। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। जो शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघ थे, जो ग्रुप थे, जो मतलब किसी भी कारणवश अपने ग्रुप को लेके हल्ला बोल देते थे, स्ट्राइक कर देते थे, तोड़ फोड़ करते थे, उन सभी को नियंत्रणों को इसने समाप्त कर दिया। तो ये था 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जागीरदारी क्या है। आइए अब हम जागीरदारी के बारे में जानते हैं कि जागीरदारी क्या होता है, जागीरदारी से क्या समझते हैं, इसके तहत क्या होता है। किसान जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता है। जागीरदारी का मतलब ये है कि किसान और जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते थे, किसान जो खेती करता है वो गेहूं चावल या जो भी उगाए अपने खेत में, इसके अलावा उद्योगपति जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने फैक्ट्री में जो भी चीजें उगाएं उसका जो तैयार किया हुआ हिस्सा होता है ना, उन्हें सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। जैसे कि मैं किसान हूं, मैंने गेहूं उगाया अपने खेत में, तो मैं गेहूं का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स में दे दूंगा कि भैया ये लो, मैंने इतने गेहूं उगाया है, ये आपका टैक्स हो गया। अब जान लेते हैं रूढ़िवाद क्या है। तो एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है। रूढ़िवाद का मतलब बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं कि हम अपने संस्कृति के ऊपर, जो पहले से चलता आया है ना, उसी के ऊपर हम कहेंगे कि नहीं, पहले ऐसे ही होता था, हम काम ऐसे ही करेंगे। रूढ़िवादी पुराने विचारधाराओं को मानना, पुराने विचारधाराओं के ऊपर काम करना, तो ये क्या कहलाता है, रूढ़िवाद कहलाता है, पुराने रीति रिवाजों के ऊपर काम करना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि अभी के समय में अगर कोई कहे कि नहीं, अब पति तो तेरा मर गया, अब वो तेरे को सती करूंगा और जाकर जबरदस्ती उसको आग ताग में झोंक देगा, तो ये क्या हो जाएगा, सती बनाना हो जाएगा। इसके अलावा बाल विवाह बहुत होता है, राजस्थान वगैरह एरिया में छोटे छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती है, तो ये क्या है, पुराने परंपराओं के ऊपर ही जो चीजें अभी तक चलती आ रही है उसे क्या कहा जाता है, रूढ़िवादी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद, 1815 के बाद जो यूरोप में रूढ़िवाद था वो क्या था। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ, 1815 में नेपोलियन की हार जब हो गया वाटरलू में,
इसके बाद यूरोप की जो सरकार थी उसका झुकाव पहले की संस्कृति की तरफ चला गया कि जो चीजें पहले चलती होती आ रही थी उसी के ऊपर ये अपना झुकाव करने लगे। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहता था। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए, जितना भी बदलाव नेपोलियन ने किया, उन सबको खत्म कर दिया। मतलब जो नेपोलियन ने अपने संहिता में 1804 में लाया, जितनी भी चीजों को उसने बदलाव किया, उन सभी को फिर से इन्होंने खत्म कर दिया। जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि। जो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में जितने भी नियम कानूनों में बदलाव किया, उन बदलावों को पुनः खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? यूरोपियन लोगों के द्वारा। यूरोपियन लोगों का फिर से जो अपना विचार था वो रूढ़िवाद की तरफ गया, पुरानी परंपराओं की तरफ गया, जिस कारण से एक समझौता जो हुआ जिसे हम वियना समझौता या वियना संधि के नाम से जानते हैं। वियना समझौता और वियना संधि इंपोर्टेंट है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वियना कांग्रेस क्या है। तो देखिए 1815 में क्या हुआ, ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, जहां पे फ्रांस के राजा लुई सोल्बे की पत्नी जहां से थी, वाइफ जहां से थी, जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर क्या किया, नेपोलियन को हराया था। एक नेपोलियन को हराने के लिए ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को तो पुरानी दुश्मनी निकालनी थी इसके साथ, ये सब एक साथ आए और इन सभी ने मिलकर नेपोलियन को हराया और प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए। और सब जब नेपोलियन को हरा दिया तो इन्होंने समझौता करने के लिए कहां इकट्ठा हुए, वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मेटर्निक। अब ड्यूक मेटर्निक कहां का था, ऑस्ट्रिया का था, तो इसी का पूरे सभी का मतलब कि जो ग्रुप का लीडर था वही बना हुआ था। तो ये था हमारा वियना कांग्रेस। अब देखिए संधि, जो ये संधि हुई इसके तहत तीन निर्णय लिया गया, तीन नियमों का निर्णय लिया गया। पहला था कि फ्रांस की सीमाओं पर कोई राज्य स्थापित कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। फ्रांस के जितने भी बॉर्डर वाले इलाके थे उस पे इन लोगों ने क्या कर दिया, राज्य बना दिया कि यहां से फ्रांस तू आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, एक बार तुमने बहुत पूरे विश्व में आग लगाया है, अब तुमको आग लगाने नहीं दिया जाएगा, तुम यहीं तक सीमित रहना, इससे बढ़ोगे तो फिर से तुमको पेलेंगे। अब देखिए दूसरा था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। जो बुर्बो वंश था जिसे फ्रांसीसी सत्ता से हटा दिया गया था उसे पुनः स्थापित किया गया, बुर्बो वंश को दोबारा लाया गया था। तो ये दूसरा इसमें निर्णय लिया गया। तीसरा था कि राजतंत्र को जारी रखा गया, मतलब प्रजातंत्र को फिर से समाप्त कर दिया गया और राजा के द्वारा किए जाने वाले शासन सत्ता को फिर से बहाल कर दिया गया। तो संधि के तहत यही तीन मेन मुद्दे थे। कहां हुआ था पता है, पहले तो ये देख लीजिए कौन कौन था। तो ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया, इन सभी ने मिलकर नेपोलियन को हराया और वियना में पहुंचे। इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो ऑस्ट्रियन चांसलर था जिसका नाम था मेटर्निक, क्योंकि उसको तो पहले से दुश्मनी थी कि उसके मतलब जीजाजी को और बहन को मार दिया था, तो इसको तो बदला लेना था ना। यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा पहला पार्ट था क्लास 10th के हिस्ट्री का। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।